कर्नाटक के नए सीएम का आज होगा चुनाव। शाम को 6 बजे बेंगलुरु में होगी विधायक दल की बैठक। कांग्रेस ने सभी जीते विधायकों को बेंगलुरु बुलाया। आज सोनिया गांधी से मिलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सीएम की रेस में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे है। इनमें से कोई एक है जो कि सीएम बनेगा कर्नाटक का। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है और आज सीएम का चुनाव होना है। कर्नाटक के नए सीएम का आज चुनाव होगा। शाम को 6 बजे तकरीबन बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस ने सभी जीते विधायकों को बेंगलुरु में बुलाया है, जहां पर बैठक का आयोजन। आज सोनिया गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुलाकात करने वाले हैं। तो सीएम की रेस में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे है। इनमें से कोई एक होगा और दोनों ही बहुत बड़े राजनीति के नाम में, अगर कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो सिद्धारमैया जी की पूर्व सीएम, और दोनों ही नाम बेहद खास मायने रखते हैं। चाहे डीके शिवकुमार का नाम हो या फिर सिद्धारमैया का नाम हो, इनमें से अगर दोनों नाम सीएम की रेस में है तो कोई एक नाम जरूर आएगा सामने जो कि सीएम बनेगा। आज चुनाव होना है, विधायक दल की बैठक होनी है। उस विधायक दल की बैठक में यह तय हो जाएगा कि सीएम कौन होगा। क्या डीके शिवकुमार होंगे कर्नाटक के अगले सीएम या फिर सिद्धारमैया का नाम सबसे आगे आता है। ये दो नाम इस समय जो रेस में चल रहे हैं। आज विधायक दल की बैठक होनी है, सभी जीते विधायकों को बुलाया गया है, बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद सीएम के नाम का चुनाव होगा। फिर उसके बाद शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा। देखिए, नाचते गाते जश्न मनाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नेताओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि आप देख सकते हैं। कल जश्न का माहौल देखा गया था। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, आज जो विधायक दल की बैठक रखी गई है, क्योंकि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दो नाम ऐसे हैं कर्नाटक की राजनीति में, बहुत पुराने नाम हैं, जाने माने नाम हैं, इनमें से कोई एक आज होगा जो कि सीएम के लिए चुना जाएगा। बिल्कुल काजल जी, कल जिस तरीके के परिणाम कर्नाटक के चुनाव में आए हैं, उसके बाद कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसके नेता प्रफुल्लित है। जिस तरीके से राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल स्पष्ट किया कि जनता ने जनादेश दिया है, उसकी भावनाओं की कद्र की जाएगी। आज शाम को 6:30 बजे होटल संग्रीला में ये विधायक मंडल दल की जो बैठक है वो बुलाई जा रही है, जिसमें नए जो विधायक चुने गए हैं वो शामिल होंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, और उसी में विधायक मंडल दल के नेता का चयन होगा। जो नेता होगा उसी के नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन क्योंकि वाजिब सवाल है अब विधायक किसको चुनते हैं, क्योंकि जो अभी तक भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, अगर इस चुनाव में जीत हुई है तो उसमें डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कांग्रेस पार्टी के सामने एक बिल्कुल निश्चित तौर पर एक इस समय असमंजस की स्थिति रहेगी कि किसी के भी कद को कम करके ना आका जाए और स्पष्ट बहुमत की सरकार वहां पे बनानी है। तो आगे बहुत चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां अब शुरू होती है। जब जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी के साथ साथ कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि शाम को 6:30 बजे किस तरीके की बैठक में क्या निकल के आते हैं और उसके बाद कौन नेता उभर के आता है, कौन अगला जो ताज है कर्नाटक का वो किसके सर पर सजता है। राजकुमार, हमने देखा था जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, कई ऐसी चीजें आई थी जिसको लेकर लग ये रहा था कि शायद बाजी कांग्रेस के हाथ से फिसल सकती है, क्योंकि चाहे वो गाली का मुद्दा हो, बजरंग बली का मुद्दा हो, जातिवाद का मुद्दा हो, लेकिन बाजी उसके उलट आई। काजल देखिए, ये राजनीति है। हाँ। और राजनीति में ऊंट किस करवट कब बैठता है इसके कोई मायने नहीं होते। राजनीति में एक एक अल्फाज जो है वो कई बार बहुत आगे निकल जाते हैं चीजें। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अगर परसेंटेज हम देखें, साक्षरता दर देखें, तो वो साक्षरता दर कहीं आगे है। बेंगलुरु जो है वहाँ हाईटेक सिटी है और तमाम तरह की जो परियोजनाएं, तो वहाँ बेसिकली जो वोट ऑफ परसेंटेज है आप देखेंगे तो अब तरीके तरीके के विश्लेषण हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर नहीं लड़ी, भारतीय जनता पार्टी अपने 34% मतदाताओं के साथ वहीं उसी पायदान पर खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से जनता दल यू का जो वोट परसेंटेज है वो खिसका और 47% वोटों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो ये जो तमाम तरह के जो मुद्दे थे, तमाम तरह के जो प्रयास थे, तमाम तरह की जो रणनीति थी, वो रणनीति हर एक प्रदेश का एक अलग टेस्ट होता है, वहां के अलग मुद्दे होते हैं। कांग्रेस की जीत के पीछे जो राजनीतिक विश्लेषक आधार बता रहे हैं वो स्थानीय मुद्दों को बता रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस केवल स्थानीय मुद्दों पर रही, वहां की जनता की आवश्यकता क्या है, वहां की जनता की जरूरत क्या है,
उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो रणनीतिकार थे उन रणनीतिकारों में कई बार येदुरप्पा बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वहां पे रहे हैं, कई बार सरकारें चलाई हैं और तमाम तरह की रणनीतियां होती हैं, लेकिन कई बार नाराजगी भी बड़ी जाहिर होती है। कार्यकर्ता का मनोबल जो है वो मनोबल कहीं कम दिखा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपना बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन एक अब बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि वो विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभाते हैं, वहाँ CLP लीडर कौन होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज विधायक दल की बैठक है और कौन होगा CM ये शाम तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।